विश्व न्यूज में हार्दिक स्वागत है। आज हम संसद मार्ग भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर यहाँ पर अपनी मांगों को लेके CITU के बैनर तले यहाँ सभी कर्मचारी संघ और यूनियन यहाँ पर आई अपनी मांगों को लेके। इनकी 12 सूत्री मांग है और इनका कार्यक्रम 9, 10, 11 तारीख तक चलेगा। आइए हम जानकारी लेते हैं कि 12 सूत्री मांगें इनकी क्या हैं और किन मांगों को लेकर ये संसद भवन पर ये मार्गदर्शन कर रहे हैं और यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले स्ट्रीट जो थाना है कुछ यूनियन के ट्रेड यूनियन के लीडर्स भी हैं और कर्मचारी भी हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम SS नेगी है, मैं NPCA का दिल्ली प्रदेश का महामंत्री हूँ। सर आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आप यहाँ इतना बड़ा जन सैलाब को लेकर आए हैं? सर एक्चुअल में सरकार ने जो अभी केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर जो अटैक कर दी जा रही है, सरकार दिन प्रतिदिन पोस्टों में कटौती कर रही है, परमानेंट नेचर के जो जॉब हैं उनमें कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में भी जिनको मिनिमम वेज देने की बात है मिनिमम वेज अब गवर्नमेंट नहीं दे रही है। गवर्नमेंट का जो कुठाराघात कर्मचारियों के ऊपर हो रहा है उसके लिए ऊपर आज NPCA पूरे जोर शोर से विरोध करने जा रही है। सर आपका नाम? मेरा नाम राजीव कुमार शर्मा, जनरल सेक्रेटरी NICD स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली। क्या मांगे सर, किन मांगों को लेकर आप यहाँ हैं? NICD स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की नोडल एजेंसी है, डायरेक्टरेट है, साथ में वेतन आयोग की रिपोर्ट आए हुए एक साल होने के बावजूद आज तक स्वास्थ्य मंत्रालय पेशेंट केयर अलाउंस और हेल्थ केयर अलाउंस का स्पष्ट आदेश नहीं कर सका। स्वास्थ्य मंत्रालय को हमने बार बार पत्र लिखे, धरने प्रदर्शन किए, इसके बावजूद एक साल के बाद भी HPCA के संदर्भ में और PCA के संदर्भ में आज तक कोई स्पष्ट ऑर्डर नहीं है। हमारा सरकार का इससे विरोध है। जो मिनिमम वेज मिलना चाहिए था, जो 26,000 हमारा मिनिमम वेज था वह भी नहीं मिला, और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन तमाम हॉस्पिटल संस्थानों के तमाम कर्मचारियों को जो HPCA हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस और पेशेंट केयर अलाउंस 4100 रुपये मिलना चाहिए, चाहे मिनिस्ट्रियल स्टाफ हो या नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ, वह आज तक नहीं मिला। हमारी डिमांड 5300 रुपये पेशेंट केयर अलाउंस की गवर्नमेंट से है। इसके विरोध में आज के धरना प्रदर्शन में हम शामिल हैं और आवश्यकता पड़ी तो सरकार के विरोध में तमाम स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। मैडम आपका नाम? मेरा नाम शकुंतला देवी। शकुंतला देवी जी आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको तो हॉस्पिटल में रहना चाहिए था, वहाँ काम करना चाहिए और उसके बाद में यहाँ आप संसद मार्ग पर यहाँ एक धरना प्रदर्शन करने आए हैं। सर ऐसा है, हम 25 साल से काम ही कर रहे हैं, आज तक हम काम ही करते आए हैं और हम जितना काम करते हैं वो कह भी नहीं सकते, किसी को सबको पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये 7वां पे कमीशन आया है इसने हमारी कमर तोड़ दी। हमारे 67 यानी कि हमारे 67 अलाउंस थे उनमें सारे अलाउंस काट के सिर्फ 36 अलाउंस छोड़े हैं, और उसमें से भी आगे जो बता दिया कि वो कह रहे जी आगे जो हमारे MCP लगनी वो भी बंद हो जाएगी, ठीक है, उसका भी कोई क्लियर नहीं है कि MCP लगेगी, क्लियर होगी नहीं, लगेगी नहीं, वार्षिक वर्ड दी होती वो भी बंद हो गया। अब और बहुत सारी ऐसी समस्याएं जैसे हमारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रही संस्था, इसमें क्या है कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस आ गए हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस ज़्यादा होने के कारण उनको तो मिल रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन जो हमारी वैल्यू कम होती जा रही है, ऐसा काम नहीं करते उनको सरकार को फायदा है। यदि कॉन्ट्रैक्ट वाला आता है तो उसको हमारे जैसे उसको 500 मिल जाएंगे, तो इसलिए वो उनकी पूरी कोशिश यही, खासकर मोदी सरकार की यही कोशिश है कि सरकार जितने भी हमारे हेल्थ से संबंधित हैं सबको एक एक करके कम कर रही है। अब 2004 में उन्होंने सरकारी पेंशनें बंद कर दी, 2006 में जो 2006 पेंशन कमीशन आया था उसमें क्या किया कि उसने 3.5 लाख नौकरियां खत्म कर दी, उसके बाद जो 6वां वेतन आयोग आया उसमें डी ग्रुप ही खत्म कर दिया, जो 7वां वेतन आयोग तो इसमें MCP वगैरह लगनी सब कुछ बंद हो गया, अब वही रहेंगे जैसे अलाउंस सारे कम कर दिए, और जो LHV की ट्रेनिंग करते हैं उसके लिए पहले छुट्टी मिल ले हो तो हम जाते हैं अपनी छुट्टी कटवाते करके आते हैं, जो हम प्रॉपर चैनल से जाते हैं तो हमारी छुट्टी कटने का कोई मतलब नहीं होता, उसके बावजूद भी जो LHV ट्रेनिंग करके आ चुके हैं उनको अभी तक जॉब नहीं मिली है और प्रमोशन नहीं मिली उनको। हाँ वही जॉब सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? सरकार से यही मांगे हैं कि एक तो हमारी जो LHV की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं वो हम प्रॉपर चैनल से जाते हैं तो उसमें हमारी छुट्टी नहीं कटनी चाहिए। के साथ अगर कर्मचारी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं तो उनका साथ हम देंगे। अगर कर्मचारी हैं, हाँ, अगर कर्मचारी नहीं होते तो वो स्ट्राइक क्यों करते? कर्मचारी हैं जो रेगुलर काम कर रहे हैं, जो रेगुलर ड्यूटी पा रहे हैं,
तो उनका साथ हम देंगे। हम परमानेंट स्टाफ हैं, वे कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं। मैम आज आप धरने प्रदर्शन पे आए हैं, क्या आप अपनी कोई एप्लीकेशन लेके आए हैं या मतलब कैसे आप लोग यहाँ आए हैं? हम अपनी छुट्टी लेकर आए हैं और अपने इसके सेवंथ पे कमीशन के जो हमारे अलाउंसेस सारे काट दिए गए हैं, हमारा अलाउंसेस काट दिए, एफटीए काट दिया और अलाउंसेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई सैलरी में, इस चक्कर में आए। क्या आपको लगता है कि जो सातवां वेतन आयोग है उसमें कुछ विसंगतियाँ हैं क्या? नहीं, कोई हमारे में कुछ भी नहीं किया, कम किया है।